हमेशा के लिए बंद करेंगे, श्रिंक करेंगे और साथ में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी गुड बाय करेंगे। क्या आप भी परेशान है इस तरह के विजिबल ओपन पोर्स से जो आपके नाक के आसपास हो जाते हैं, आपके नोज पर होते हैं, फोरहेड एंड चिन पर नजर आते हैं? ये सुराख ना तो किसी मेकअप से छुपते हैं और ना ही कोई प्रोडक्ट इन पर काम करता है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल स्टार्ट कीजिएगा। इस रेमेडी के 3 स्टेप्स हैं, रिमूविंग, फिक्सिंग एंड क्लोजिंग। हमारे फर्स्ट स्टेप रिमूविंग के लिए, यहाँ पे मैं लूंगी एक बाउल और उसमें डाल दूंगी गरम दूध 2 चम्मच, 1 चम्मच एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं और मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। थर्ड में इसमें ऐड कर दूंगी जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर ये जेलीज को बनाने में इस्तेमाल होता है, ये आपको इजीली सुपर स्टोर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर। अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से सॉफ्टली मिक्स करेंगे ताकि जेलेटिन जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए और हमारा थिक पेस्ट रेडी हो जाए। अब आपने इस थिक पेस्ट को उस एरिया पर लगाना है जहाँ पे आपको ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो। पेस्ट लगाने के बाद आपने इस तरह से, मोस्ट ऑफ आपको ब्लैक हेड्स जो है वो नोज पर होते हैं, आपने इस पेस्ट को लगाने के बाद टिश्यू पेपर से रैप अप कर देना है और टिश्यू पेपर को इस तरह से अपनी नोज पर इस पेस्ट से लगा लेना है, प्रेस कर लेना है और वेट करना है इसके ड्राई होने का। जब ये पेस्ट टिश्यू पेपर के साथ अच्छे से थिक हो जाए, ड्राई हो जाए, तो आपने सॉफ्टली इसे रिमूव कर देना है। फिर देखिएगा कि आपके जो भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है, जिस भी किस्म का डर्ट या मैल वगैरह है, वो आपकी स्किन से रिमूव हो जाएगा। हमारा सेकेंड स्टेप है फिक्सिंग। फिक्सिंग के लिए आपने लेनी है स्टीम, गर्म पानी से, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं, आप गर्म टॉवल भी अपने एरिया पर रख सकते हैं जहाँ पे आपको ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का इशू है, ठीक है। 3 मिनट आपने स्किन को स्टीम देनी है और उसके बाद आपने इस तरह के स्टिक से या कॉटन स्टिक से जो भी स्किन पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है रिमूव कर लेने हैं, स्किन को मजीद नीट और क्लीन कर लेना है। अब आपके ओपन पोर्स और ज्यादा क्लीन हो गए हैं, अब बारी आती है इन्हें क्लोज करने की। थर्ड स्टेप है हमारा क्लोजिंग, जिसके लिए यहाँ पे मैं लूंगी 2 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि माल्टे के छिलके का पाउडर। उसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और इसे मैं मिक्स कर लूंगी दही के साथ। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें अंडे की सफेदी ऐड कर सकते हैं या इसमें फ्रेश मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपने मुल्तानी मिट्टी और ऑरेंज पील पाउडर को पेस्ट बनाकर अपने ओपन पोर्स वाले एरिया पर या पूरे चेहरे पर आप ये पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 20 मिनट तक वेट कीजिएगा, उसके बाद फेस वॉश कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में इतना डिफरेंस नजर आएगा, आपको लगेगा कि अभी आपने लेजर ट्रीटमेंट लिया है जिससे आपके ओपन पोर्स सारे क्लोज हो गए हैं। अगर आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो आपका इशू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम ओपन पोर्स का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमेशा की तरह वीडियो आपको कैसे लगे बताना मत भूलिएगा, मुझे आपके पॉजिटिव कमेंट्स का इंतजार रहता है। वैसे नेगेटिव भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए। अगर आप स्किन केयर और हेयर केयर के मुताबिक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।